Everyone, so this is True Freedom from the Study Life. So today we are going to start from class 6 SST Geography chapter number 1, that name is the Earth in the Solar System. In the solar system, in this chapter, we will talk about Earth, our planet is Earth, and the solar system is we will study in this chapter. So now let's start. How wonderful is to watch the sky after sunset. Means जब हम लोग जब sunset हो जाता है जब जो सब सूर्य जब sunset हो जाता है तो फिर हम जब sky को देखते हैं आसमान को देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है sky. One would first notice one or two bright stars shining in the sky. Means जैसे ही sunset होता है तो हमें एक या दो सिर्फ वन या टू जो डॉट्स होते हैं स्काई में आसमान में दिखते हैं. Soon you would see the number increasing. और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो फिर जो वो डॉट्स के जो नंबर होता है वो बढ़ते रहते हैं. You cannot count them anymore. और फिर बाद में इतना टाइम हो जाता है और इतने बढ़ जाते हैं कि इतने डॉट्स बढ़ जाते हैं इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि आप उन्हें गिन भी नहीं पाते. The whole sky is filled with tiny shiny objects, some are bright, others dim. ये जो पूरा जो आसमान है ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भरा है. कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट है चमकते हैं और कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिम है मीन्स उनके पास उनकी खुद की रोशनी रह गई. It seems as if the sky is studded with diamonds. और जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पूरा जो आसमान है पूरे डायमंड से पूरे डायमंड से जो आसमान है ये भरा हुआ है. They all appear to be twinkling. और ये जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. कुछ कुछ जो स्टार्स होते हैं आप उनको ध्यान से देखोगे कुछ कुछ स्टार्स ट्विंकल करते हैं और कुछ जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते. They simply glow without any flicker, just like the moon shines. जैसे कुछ कुछ स्टार ट्विंकल करते थे लेकिन वो जो स्टार्स होते हैं वो मून की तरह ही शाइन करता है. मून ट्विंकल नहीं करता वैसे वो भी नहीं करते. Along with this bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन जो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ साथ आप मून को भी देखते होंगे आसमान में. It may, however, appear at different time and in different shapes and in different position. अभी तो बताया गया है कि जैसे time बीतता जाता है, वैसे जो moon होता है, moon के shape बदलते जाते हैं, moon की position means moon इधर था तो moon उधर हो जाता है, moon की position भी change हो जाती है. You can see the full moon only in about a month time. Means आप पूरे एक महीने में बस आप full moon को पूरे चांद को आप सिर्फ एक ही बार देख सकते हो. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा मीन जब फुल मून आता है हम फुल मून को फुल मून जब आता है तो हम लोग फुल मून कहते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं हम लोग. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन सी एट ऑल मीन जब नाइट नहीं होती मीन जब दिन होता है तो फिर आप जब फुल मून को होता है मतलब जब डे होता है तो फिर आप ये जो मून होता है आप उसको देख नहीं पाते. इट इज न्यू मून नाइट और अमावस्या और कभी कभार तो पूरे मंथ में फुल मून आता है. और एक और चीज आती है मंथ में वो है न्यू मून. न्यू मून को हम लोग क्या कहते हैं अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट. और ये जो न्यू मून और फुल मून को जब न्यू मून और फुल मून को जब आप स्काई में देखोगे मतलब आसमान में देखोगे तो एकदम बहुत सुंदर जो रात है नाइट जो है बहुत अच्छे से होती है. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Means आपने कभी सोचा है कि जो moon है और जो भी छोटे-छोटे जो चमकते-चमकते जो objects हैं, उनको हम लोग दिन के time में means day time में हम लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते? It is because the every bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. Means ये इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज सन की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम ये मून और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाइट में हम लोग दिन डे के टाइम में हम उन्हें नहीं देख पाते सिर्फ हम लोग उन्हें रात को ही देख सकते हैं. The sun
the moon and all the objects shining in the night sky are called celestial bodies. Means sun भी हो गया, moon भी हो गया, और जो भी object जो right रात को मतलब night के आसमान, रात के जो आसमान है उसमें हम लोग देख पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम celestial bodies कहते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial body होती है वो बहुत बड़ी भी होती है, और कुछ जो celestial body होती है वो गर्म भी होती है. They are made up of gases. ये जो celestial body होती है बड़ी होती है और गर्म भी होती है, लेकिन ये साथ में किससे बनी होती है celestial body? ये gases से बनी होती है. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. अब जो ये celestial bodies होती हैं, इनके celestial bodies के पास, इनके celestial bodies के पास इनकी खुद की हीट भी होती है, मतलब उनके पास उनकी खुद की हीट भी होती है और उनके पास उनकी लाइट भी होती है, मींस रोशनी भी होती है. और उनके पास इतनी रोशनी होती है, हीट और लाइट उनके पास इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें भी देख पाते हैं, हमें भी वो जो हीट होती है और जो लाइट होती है रोशनी वो हमें भी देख पाते हैं. दी सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टार्स. ये जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें स्टार्स कहते हैं. द सन इज ए स्टार, और जो सन है, सूरज जो है, वो भी एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. जो स्टार्स मींस जो स्टार्स ट्विंकल करते रहते हैं रात को, वो एकदम सन की तरह होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. अभी क्वेश्चन क्या होता है कि वो उनके पास खुद की हीट होती है, उनके पास खुद की लाइट होती है सन की तरह, तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता, हमें फील क्यों नहीं लगता कि उनकी जो हीट और जो लाइट है वो हम तक पहुँच क्यों नहीं पाती? ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये है. क्यों? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी जो हीट और जो लाइट होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती. Now next, you must have noticed that all objects look smaller and when seen from a distance. अब आपने एक चीज ये नोटिस की होंगी कि जो भी चीज हम लोग दूर से डिस्टेंस से देखते हैं, बहुत ज्यादा दूर होती है वो चीज हमें छोटी दिखती है. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. अब जो एरोप्लेन होता है वो कितना बड़ा होता है साइज में, लेकिन जब वो उड़ रहा होता है तो फिर वो जो एरोप्लेन होता है वो बहुत छोटा सा दिखता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. Means जब हम लोग रात को देखते हैं तो फिर जो stars होते हैं, stars एक अलग अलग अपने pattern बना रहे होते हैं. These are called constellation. और जो stars pattern बनाते हैं अलग अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस pattern को हम लोग constellation कहते हैं. Ursa Major और Big Bear is one such constellation. और अभी जब बताया गया एक example दिया गया है वो है उर्सा मेजर. हम लोग उसको उर्सा मेजर कहते हैं और बिग बियर भी हम उसे कहते हैं. One of the most easily reconcilable constellation is the Saptarishi. सबसे easy जो constellation है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं constellation, वो है सप्तऋषि. सप्तऋषि कैसे? अभी सप्तऋषि का बताया, सप्त मतलब क्या होता है? सेवन, और ऋषि मतलब क्या होता है? सेजेस. ये इसलिए इधर ऐसे नाम रखे हैं सप्त सेवन और ऋषि सेजेस. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स. ये इसलिए ऐसे नाम रखे गए हैं क्योंकि जो सप्तऋषि है वो सेवन मतलब जो सप्तऋषि है वो सात स्टार से बनके मिलता है. दे फॉर्म्स अ पैटर्न ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. मींस उर्सा मेजर जो कॉन्स्टेलेशन है उसके अंदर ही जो सप्तऋषि है वो बनता है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. Means आप अपने घर में या फिर आप पड़ोसी वगैरह में आप अपने से बड़े से किसी को पूछना कि मुझे और stars दिखाए और planets दिखाए और constellation भी दिखाए आसमान में. In ancient times, people used to determine direction during the night sky with the help of stars. अब आपने देखा होगा कि पुराने समय में तो ये टाइम वॉच वगैरह क्लॉक के वगैरह तो थे ही नहीं,
इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ऐसे ऐसे स्टार्स की मदद से वो पहचानते थे। दिस नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स टू नॉर्थ डायरेक्शन। अभी जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अब जो नॉर्थ स्टार जो है उसका एक और नाम है, नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। मीन जो पोल स्टार है वो एक ही जगह पे रहता है, सिर्फ वो उसकी एक ही जगह पे, पूरे आसमान में सिर्फ वो एक ही जगह पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब आप सोचोगे कि ये पोल स्टार को हम लोग ढूंढेंगे कैसे कि ये पोल स्टार है। सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशन है उसकी मदद से हम लोग पोल स्टार को ढूंढ सकते हैं। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. अभी तो बता गया ये जो figure 1.1, ये जो figure दिया गया है, ये जो two stars इधर दिए गए हैं, ये one star है और ये two star. सप्तऋषि means ये जो सप्तऋषि, ये इतने stars, ये जो total इतने stars है, seven stars, इन seven stars से सप्तऋषि बनता है। अभी तो ये जो two stars है, दोनों stars, इन two stars के एकदम सीधा line में आप जाए, तो फिर जो एकदम सीधा लाइन में आप जाओगे तो फिर एक स्टार एकदम अप में दिखेगा उसके लाइन के सीध में, तो वो जो स्टार होगा उसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अभी इधर बताया गया कुछ कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनके पास उनकी खुद की हीट नहीं होती और उनके पास खुद की रोशनी भी नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। अब उनको पास उनको रोशनी और उनकी उनको हीट कैसे मिलती है? स्टार्स की मदद से, स्टार्स की रोशनी की वजह से उनको उनकी हीट और लाइट मिलती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अभी ये जो बॉडीज जो स्टार्स हमें देते हैं, ये जो बॉडीज होती है इन बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के पास खुद की ना ही हीट होती है और ना ही लाइट, वो स्टार्स की लाइट, स्टार्स की रोशनी की वजह से उनको उनकी खुद उनको हीट और लाइट मिलती है। The word planets come from the Greek word planetai, which means wanderers. Means अभी तो बता गए जो planet जो ये word है planet, ये कहाँ से आता है? ये Greek word से आता है। Greek word मतलब जो Greek है वो क्या? Greek एक language है। और Greek की language में एक word है plantia. Plantia का मतलब क्या होता है? Plantia का मतलब wanderers. और अभी wanderers मतलब वो चीज जो घूमती है चारों तरफ। इसलिए जो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये रखा गया क्योंकि प्लैनेट का मतलब ये ऐसे ही चलता है कि जो प्लैनेट है वो सन की तरफ घूमते हैं। नाउ नेक्स्ट, द अर्थ ऑन विच वी लीव इज अ प्लैनेट। मीन जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन व्हिच इज अ नियरेस्ट स्टार। अभी अर्थ को अपनी हीट और अपनी लाइट कहाँ से मिलती है? रोशनी वगैरह। अर्थ को अपनी रोशनी और जो हीट है अर्थ को सबसे नियरेस्ट स्टार से मिलती है। जो अर्थ के मतलब सबसे जो करीब वाला, जो सबसे करीब जो स्टार है उससे अर्थ को अपनी हीट और अपनी लाइट मिलती है। और अब सबसे करीब वाला जो स्टार है वो कौन सा स्टार है? वो है सन। If we look at the earth from a great distance, we say moon, it will appear to be shining just as the moon. अभी बताया गया कि हम लोग अर्थ को एकदम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से, मतलब बहुत ज्यादा दूर से अर्थ को देखें, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अभी हम लोग मून से हम लोग अर्थ को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे देखें तो जो अर्थ है वो भी मून की तरह ही शाइन करने लगेंगे हमें दूर से। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब जो मून हम लोग जो स्काई में आसमान में हम लोग जो मून हम लोग स्काई में आसमान में देखते हैं वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अब जो है अर्थ के जो ये सैटेलाइट है जो मून अर्थ का एक साथी कंपेनियन है, मीन साथी है, और वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, मीन अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। लाइक अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की तरह ही ऐसे सात अलग अलग प्लैनेट्स है जो अपनी हीट अपनी जो हीट है और जो लाइट है वो सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कुछ कुछ प्लैनेट्स के पास तो उनके खुद के मून्स भी है।
other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. अब इधर क्या बात की गई है, मीन जो सन है, सूरज जो है, और जो एट जो प्लैनेट्स है और जो ये मून की तरह सैटेलाइट्स है, और भी अलग अलग जो आसमान में जो सेलेस्टियल बॉडीज है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स कहते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स और जो मीटरॉइड्स है, वो क्या करते हैं, वो पूरा एक वो क्या बनाते हैं, वो सोलर सिस्टम बनाते हैं। We often call it the solar family, या फिर हम लोग सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। और सोलर फैमिली का हेड कौन है, सोलर फैमिली का हेड है सन, मतलब सूरज। Now next is sun. The sun is in the center of the solar system. अब इधर बता गया जो सन है पूरे सोलर सिस्टम में एकदम सेंटर में है, पूरे सोलर सिस्टम के जो सन है वो एकदम बीच में सेंटर में। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अब जो ये सन है सन बहुत ह्यूज वे मीन्स बहुत बड़ा भी है और वो बहुत ज्यादा एंड वो मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस मीन्स, और जो सन है वो बहुत गर्म गर्म गैसेस से सन बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट फिड्स द सोलर सिस्टम। अब जो ये सन है, सन क्या करता है, ये सन अपनी फोर्स की मदद से जो सोलर सिस्टम है उसको पकड़ के रखता है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. अब जो ये सन है, सन क्या है, मीन सन पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है किस चीज का सोर्स है, मीन्स हीट और लाइट, गर्मी और रोशनी का जो सन है सबसे बड़ा सोर्स है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमें हीट और लाइट देता है। बट द ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज दिस बिट बींग आर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। अभी हम लोग सोचे जो सन है, सन की सिर्फ इतनी गर्मी है, नहीं, लेकिन जो सन है, सन जो है बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस है, मतलब बहुत ज्यादा सन जो है वो गर्म है, लेकिन हमें उसकी इतनी ज्यादा गर्मी इसलिए नहीं लगती क्योंकि जो सन है, सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है। The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब जो बता गया जो सन है कितने किलोमीटर हम अर्थ से दूर है, सन 150 million kilometer जो सन है वो अर्थ से दूर है। Now planets. There are 8 planets in a solar system. ये हमें भी पता है कि जो solar system में total कितने planets है, 8 planets है, means 8 planets है। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अभी जब बताएंगे कि हम लोग order मतलब distance से बात करेंगे, जो सन के कौन पास है, line से बात करेंगे सन के कौन कौन पास है, तो सबसे पहले मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्लैनेट है सन से नियरेस्ट, सेकंड वीनस है, थर्ड अर्थ है, फोर्थ मार्स है, फिफ्थ जुपिटर है, सिक्स सैटर्न है, सेवंथ यूरेनस है, और एट प्लैनेट कौन है, एट प्लैनेट है नेपट्यून। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is. अभी तो बता गए कि हम लोग बहुत आसानी तरीके से हम लोग क्या मतलब memorize क्या हम लोग बहुत आसानी से हम लोग memorize कर सकते हैं कि जो planets हैं, planets के system, planet जो है planets के नाम हम लोग आसानी से कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा जो sun के कौन कौन से जो planet है वो distance पे है। पहले है Mars. ये my very efficient mother just shoved up nuts. मीन जो हमारी जो मदर है उसने हमें नट्स दिए हैं, मीन्स कुछ नट्स दिए, मतलब जैसे बादाम वगैरह जो है ये नट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो माय कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है, माय एम से स्टार्ट होता है, और एम से पहला, एम से क्या बनता है, मर्क्यूरी। तो पहला प्लैनेट कौन सा हो गया, मर्क्यूरी। अब सेकंड वर्ड में देखें वेरी, वेरी में क्या है, पहला वर्ड वेरी में पहला वर्ड है वी। अब जो वी है वी से अभी वी कौन से लिए यूज होता है, वी यूज होता है वीनस के लिए, तो वीनस हो गया हमारा सेकंड। नाउ अभी थर्ड है इफिशियंट, इफिशियंट की वर्ड की स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड है, ई। तो जो ई है ई से हो गया अर्थ। अभी फोर्थ में है मदर, मदर से कौन सा वर्ड हो गया, मार्स। अब फिफ्थ में है जस्ट, जस्ट से कौन सा स्टार्टिंग वर्ड हो गया, जुपिटर। अभी है सब, सब से कौन सा स्टार्टिंग वर्ड हो गया, एस। सो एस से कौन सा प्लेनेट है, सैटर्न। अभी अस, अस से अस का कौन से वर्ड में स्टार्टिंग है, यू से। तो यू से कौन
जो लास्ट है वो नट्स। नट्स से की स्टार्टिंग में एन है, एन से कौन सा प्लेनेट है? नेपट्यून। तो ये हो गया नेक्स्ट। ऑल द एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। अभी तो बताएगा कि जितने भी जो आठ प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने फिक्स पाथ में, मतलब अपने जो उन्हें उनके जो पाथ होते हैं उनके जो रास्ते होते हैं जहाँ उन्हें घूमना, तो वो उधर सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दिस पाथ आर इलोंगेटेड। अभी जो प्लैनेट्स है ये इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मीन्स ये पूरे सर्कल टाइप में ओवल शेप के, ओवल शेप के मतलब ऐसे शेप के ओवल। These are called, they are called orbits. अब इन शेप को क्या कहा जाता है? Long, अभी जो पाथ है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। अब जो मर्क्यूरी है वो सन का सबसे, सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब जो मर्क्यूरी है पहले नंबर पे आता है इसलिए वो सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अब जो मर्क्यूरी है वो पूरे 88 डेज में पूरे सन से, सन के एक राउंड लगाता है, मतलब एक चक्कर लगाता है उसके ऑर्बिट से। वीनस इज कंसिडर्ड एट अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अभी तो बताइए जो वीनस है, वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है, मतलब अर्थ का ट्विन। अभी आप सोचोगे अर्थ का ट्विन क्यों माना जाता है? अर्थ का ट्विन वीनस को इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका जो साइज है और उसका जो शेप है वो अर्थ से मिलता जुलता है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. Means 2006 के अगस्त के मंथ तक जो प्लूटो है प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB, discovered in recent past may be called dwarf planet. अभी तक प्लूटो को 2006 के अगस्त मंथ तक तो प्लूटो को माना जाता था प्लैनेट, लेकिन एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर, एक प्लेस है ये, उसके अंदर एक मीटिंग हुई थी और उधर एक डिसीजन लिया गया था। वो डिसीजन क्या था कि जो प्लूटो है प्लूटो बहुत छोटा प्लैनेट है और वो दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज, वो सेलेस्टियल बॉडीज की तरह प्लूटो है, तो प्लूटो को एक प्लैनेट माना नहीं जाएगा, प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट माना जाएगा। ड्राफ्ट प्लैनेट मतलब जिनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए प्लूटो का भी ड्राफ्ट प्लैनेट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज देयर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। अभी तो बताइए जो थ्री प्लैनेट्स है जुपिटर सैटर्न और ये जो यूरेनस है, इनके चारों तरफ में क्या है? इनके चारों तरफ में रिंग है। These are belts of small debris. अब ये एक ऑब्जेक्ट है debris, उन मीन से जो बेल्ट है किससे बनी है? ये जो रिंग्स है ये रिंग्स किससे बनी है? ये रिंग छोटी छोटी जो debris एक ऑब्जेक्ट है जो debris से छोटी छोटी debris से ये बनी है ये रिंग्स। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. लेकिन ये जो rings है ये हम लोग अर्थ से भी देख सकते हैं। अब आप पूछोगे अर्थ से कैसे? हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और ऐसे ऐसे टेलीस्कोप की मदद से नहीं, जो बहुत सबसे ज्यादा जो पावरफुल टेलीस्कोप हो, मतलब जो बहुत ज्यादा दूर तक देख पाता हो, वो पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हम लोग ये रिंग को देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डू यू नो, आपको पता है ये सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। अभी मतलब सोल, मतलब सोल को रोमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सन गॉड, मतलब सूर्य का राजा, मतलब सूर्य का जो गॉड है उसे सन गॉड माना जाता है। क्या, कौन से वर्ड को माना जाता है सन गॉड? सोल, रोमन लैंग्वेज का जो सोल वर्ड है उसे सन गॉड माना जाता है, मतलब सूर्य का गॉड। सोला मींस रिलेटेड टू द सन। अभी उधर जो सोला वर्ड है वो सोला, मतलब जो सोला वर्ड है वो सन से कुछ मिलता जुलता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब जो सन की जो फैमिली है, सूरज की जो फैमिली, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज यू मैनी वर्ड्स यूजिंग द सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। अभी तो बताया गया कि आपको क्या करना है, आपको जो ये सोलर वर्ड है इसके बारे में आपको अपने मन से कुछ
कुछ वर्ड्स लिखते हैं इस पे। नाउ वर्ड ओरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। अभी तो बताया गया कि जो लैंग्वेज में क्या यूज किया जाता है, मीन जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स को लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और इस से जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड्स मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज से भी है। अभी द ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल, अभी दिया गया एग्जाम्पल में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है भी, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन ये जो ज्योग्राफी वर्ड है पता है कहाँ बना था ये ज्योग्राफी वर्ड, ये ग्रीक में बना था। ग्रीक मतलब ग्रीस की कंट्री, जो ग्रीस जो कंट्री है उसके लोगों को ग्रीक कहा जाता है, मतलब ग्रीस की कंट्री में बना था। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अर्थ, अब जो ये ज्योग्राफी जो वर्ड है ये अर्थ से मतलब अर्थ से अर्थ के बारे में जो ज्योग्राफी वर्ड है ये रिलेट करता है, मीन्स अर्थ से अर्थ के बारे में ये मिलता जुलता है अर्थ से। It is made up of two Greek words, geo meaning earth and graphia meaning writing. अभी जब बताया गया है जो geography word है दो word से बना है, जो geography है ये दो word से बना है, कौन से Greek words means Greek के country के कौन से दो word से बना है, ये GE, ये जो GE word है इसका मतलब earth, और graphia जो graphia बाकी covered हो गए graphia उसका मतलब क्या होता है writing means लिखना। Find out more about the earth. अभी तब बताया गया कि आपको अर्थ के बारे में और जानकारी लेनी है। अभी इधर एक बताया गया है, अभी इधर जियो, जियो को हम लोग किस किस चीज से ऐड करते हैं तो क्या एक न्यू सेंटेंस बन जाएगा। जियो को हम लोग लॉजी से ऐड कर दे तो बन जाएगा जियोलॉजी हो गया, तो फिर जियोलॉजी वो होता है, वो जियोलॉजी का वो मीनिंग होता है कि मतलब अर्थ के बारे में जो स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। अभी जो में मैट्री ऐड कर दे तो मेजरमेंट का हो जाता है, मीन्स मेजरमेंट मतलब मैथ्स में जो मेजरमेंट यूज होता है उसमें ज्योमेट्री यूज होता है। अब जियो में ऑइड को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, जियोइड। जियोइड क्या है, जियोइड अर्थ का शेप है। Now next, do you know human have always been fascinated gazing in the night sky? जो humans है वो उनका मतलब जो humans है वो कहाँ ज्यादातर क्या देखते रहते हैं, human जो होता है वो sky में देखते रहते हैं ज्यादा, मतलब आसमान में देखते रहते हैं। Those who study the celestial body in the moments are called astronomers. अभी जब बताया गया कि जो लोग celestial bodies के बारे में पढ़ते हैं और movements में जो movements earth के कौन कौन से movements है, revolution और rotation, ये movements को जो लोग पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम astronomer कहते हैं। आर्यभट्टा was a famous astronomer of ancient India, means पुराने समय में इंडिया में क्या हुआ, पुराने समय में इंडिया के जो आर्यभट्टा थी, आर्यभट्टा क्या थी, आर्यभट्टा एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थी, मीन्स बहुत उस वो बहुत फेमस थी पूरे इंडिया में, और वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थी। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। अभी तो बताया आर्यभट्टा ने कहा था कि जो मून है और जो प्लैनेट्स है इनकी इन पे ये जो शाइन है कहाँ से आती है, इन आर्यभट्टा ने कहा था ये जो मून है और जो प्लैनेट्स है इन पे शाइन जो सनलाइट जो होती है सूर्य की जो रोशनी होती है उसे रिफ्लेक्ट होके इन प्लैनेट्स और मून पे रिफ्लेक्ट होके इन पे लाइट पड़ती है। याद है भट्टा ने कहा था, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अब आज के जमाने में जो एस्ट्रोनॉमर जो है पूरे वर्ल्ड में जो एस्ट्रोनॉमर है वो सारे जो एस्ट्रोनॉमर है वो पूरे बिजी है। अब बिजी कैसे एस्ट्रोनॉमर, ये एस्ट्रोनॉमर इसलिए बिजी है क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है ये जो यूनिवर्स है यूनिवर्स के बारे में ये ज्यादा एक्सप्लोर करे कि यूनिवर्स के बारे में क्या क्या चीजें वो और जान सकते हैं। यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लोर ऐसे करते रहे कि जो यूनिवर्स है वो कैसा दिखता है, कैसा है यूनिवर्स, उसके बारे में वो और जानकारी ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज दी अर्थ। दी अर्थ इज अ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब जो ये अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ सन से थर्ड नियरेस्ट मीन्स थर्ड तीसरे नंबर पे जो अर्थ है वो सन से नियरेस्ट है, मीन्स सबसे करीबी प्लैनेट है थर्ड नंबर पे जो अर्थ है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और अभी साइज में देखा जाए जो अर्थ है, अर्थ पूरे साइज में जितने भी ये प्लैनेट है उनमें से जो अर्थ है साइज के नाम पे अर्थ जो है फिफ्थ नंबर
जाती है साइंस के नाम पे। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। अब जो अर्थ है, अर्थ में जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल, दोनों जो पोल्स है, इस पे जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी है। That is why its shape is described as geoid. इसलिए जो अर्थ का जो शेप है वो geoid है। Geoid means an earth-like shape. और अभी geoid मतलब क्या होता है? Geoid मतलब मैंने आपको बताया था, geoid मतलब इधर भी आता है, geoid मतलब अर्थ का शेप। और जैसा जो शेप होता है उसे हम geoid कहते हैं। Now next. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. अभी means अभी life के कौन से conditions favorable है? Life के कौन से conditions favorable है means कहाँ life हो सकती है, कौन से planet पे? जो life है वो सिर्फ इधर बता गया, life जो है वो सिर्फ एक ही planet पे हो सकती है। वो planet का नाम क्या है? सिर्फ earth. The earth is neither too hot nor too cold. अब जो earth है वो इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। It has water and air which are very essential for our survival. अब जो अर्थ है, अर्थ के पास अर्थ में क्या क्या है? अर्थ में वाटर है और एयर है। वाटर मतलब पानी और एयर मतलब हवा है। ये दोनों वाटर और जो एयर है वो हमारी सर्वाइवल के लिए मतलब हमारी जिंदगी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। The air has life supporting gases like oxygen. और इस एयर के अंदर एक गैस है इस एयर के अंदर, वो इस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, जिसकी मदद से हम लोग सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी रीजन की वजह से जो अर्थ है, अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में जितना भी जो सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स है उसमें से जो अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। From the outer space, the earth appears blue because its total surface is covered by water. ये जो means बाहर की सतह से देखे मतलब अर्थ से बाहर आके देखे तो अर्थ जो है अर्थ को blue planet कहा जाता है। अब अर्थ को blue planet क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ के जो अर्थ के total 3 parts है, उनमें से अर्थ के 3 parts में से जो 2 parts है वो पूरे पानी में covered है, इसलिए अर्थ को blue planet कहा जाता है। Now next is moon. Our earth has only one satellite. अब जो earth है, अर्थ के पास सिर्फ एक ही satellite है, that is the moon. अभी अर्थ के पास सिर्फ एक ही satellite है और उस satellite का नाम क्या है? वो है moon. Its diameter is only one quarter of the earth. अभी मतलब moon का जो diameter है, मतलब moon का जितना जो diameter है, मतलब moon का जो जितना meter है, total diameter, वो सिर्फ एक ही quarter है. Means one quarter ही है उसका. One quarter से ज़्यादा उसका नहीं है size. सिर्फ one quarter है. और one quarter कौन सी planet पे आता है? Moon का one quarter? Moon का जो one quarter है वो Earth पे आता है. That it appears so big because it is nearest to our planet and other celestial bodies. ये जो Earth है, मतलब ये जो Moon है, Moon बहुत बड़ा है. अब आप पूछोगे Moon कैसे बड़ा है? Moon तो बहुत छोटा दिखता है इधर से देखे तो. नहीं, ये बहुत दूर है इसकी वजह से Moon छोटा लगता है, लेकिन जो Moon है वो बहुत बड़ा है. Moon बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि वो हमारे planet से एकदम near है, हमारे planet से बहुत ज़्यादा पास है. Then other celestial bodies means और celestial bodies की बात की जाए और moon की बात की जाए तो moon है वो दूसरी celestial bodies से compare किया जाए तो जो moon है वो हम earth से earth का जो planet है उससे ज़्यादा near है, means करीब है. It is about 384,400 kilometer away from us. अभी जो moon है वो कितना किलोमीटर दूर है अर्थ से? Moon जो है वो 384,400 किलोमीटर जो moon है वो अर्थ से दूर. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that of the moon. अभी आप ये compare करो कि जो moon है, अभी जितना अर्थ से moon sun का जो इतना distance था वो compare करो, कितना distance है? 150 million kilometer sun का अर्थ से sun का distance था. और अभी आप compare करो और earth से लेकर moon तक, earth से लेकर moon का कितना distance है? 384,000 kilometer. इनमें कितना difference है? The moon moves exactly around the earth in about 27 days. अब जो moon है, moon earth के चारों तरफ घूमता है. जो moon है वो earth के चारों तरफ घूमता है. कितने दिन में moon घूमता है? पूरा एक चक्कर लगा लेता है. जो moon है वो 27 days में पूरा one round complete कर लेता है. It takes exactly the same time to complete one spin. और जो moon है वो one spin कितने time में complete करता है? Means जो moon है वो जो अपनी स्पिन मतलब उसकी जो ऑर्बिट है उस पे जो मून है वो एक तो उतने ही डेज में 27 डेज में ही वो पूरी स्पिन मतलब एक पूरा अच्छे से राउंड मार लेता है उसके ऑर्बिट में. एज अ
रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. लेकिन अर्थ पे क्या है, अर्थ पे सिर्फ मून का सिर्फ एक ही साइड, मून का सिर्फ एक ही भाग अर्थ पे हम लोग देख सकते हैं. The moon does not have conditions favorable for life. इतना बता गया कि जो moon है, moon पे life possible नहीं है. It has mountains, plains and depressions on its surface. अभी तो बता गया जो moon है, अब जो moon है, moon में mountains भी है, plains भी है, मतलब simple ऐसे रास्ते भी जिसे हम plains कहते हैं, उसके surface पे depressions भी है. These cast shadows, और जो मून पे shadows भी पड़ती रहती है अलग अलग planets की, इसलिए मून पे, मून का जो surface है उस पे shadows भी है. Look at the full moon and observe these shadows. उसमें आप देखना full moon को, आप ध्यान से देखो उसकी जो shadows होती है वो, आप full moon को एकदम अच्छे से देखो आप, और जो moon की जो shadows होती है जैसे crescent moon वगैरह, जो shadows है ये shadows आप ध्यान से देखो. अभी now here it is there given, do you know? अभी इधर do you know दिया गया है. Light travels at the speed of about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. अब तो बताया गया कि जो लाइट है, लाइट कितनी स्पीड से मूव करती है, जो लाइट है 3 लाख की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से लाइट एक, मतलब लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से लाइट जो है वो मूव करती है. Yet even with this speed the light of the sun takes about 8 times to reach the earth. अभी जो बताया गया कि जो सन की जो लाइट है, मतलब सन की जो रोशनी है, और सन की जो रोशनी है उसको 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए. तो आप सोच सकते हो कि जो सन है इतना दूर है, इसकी वजह से ये 8 मिनट लगते हैं सन की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने के लिए. Now interesting fact it is given, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969. Means जो Neil Armstrong है वो पहला, Neil Armstrong पहला इंसान था जिसने अपने कदम रखे थे मून पे, मून पे सबसे पहले Neil Armstrong ने अपने कदम रखे थे 20 July 1969 को, उसने अपने कदम रखे थे. Find out whether any Indian has landed on the moon. अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें ये ढूंढना है कि जो कोई भी जो ऐसे इंडियन है, कोई भी ऐसा इंडिया का जो पर्सन है उसने मून पे कभी लैंड किया है या नहीं किया है. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. अभी तो बताया गया जो satellite है, वो भी एक celestial body की तरह है जो planets की तरह move करती है. अब satellite एक celestial body है, ये पता, अभी पता चल गया हमें जो satellite है वो एक celestial body है. अब वो किस तरह से move करते हैं, जिस तरह से planet sun की तरह घूमते हैं उस तरह से ही जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स की तरह घूमती है. अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, अभी वो सैटेलाइट जो ह्यूमन ने बनाई है इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. मींस जो ह्यूमन ने जो सैटेलाइट बनाई है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी. आर्टिफिशियल मींस आर्टिफिशियल मींस जो ह्यूमन ने, आर्टिफिशियल बींग जो हम लोगों ने खुद बनाई है, और बॉडी मींस सेलेस्टियल बॉडी से बॉडी लिया गया है. इससे जो ह्यूमन ने जो बॉडी बनाई उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल बॉडी कहते हैं. इट इज एन डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. अभी ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैसे डिजाइन, सैटेलाइट कैसे बनी, सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट को साइंटिस्ट ने ही खुद बनाया है. और ये जो सैटेलाइट को साइंटिस्ट ने बनाया, ये अब पता चल गया सैटेलाइट को साइंटिस्ट ने बनाया. अब क्यों बनाया, आप जानते साइंटिस्ट ने सैटेलाइट को क्यों बनाया. साइंटिस्ट ने सैटेलाइट को इसलिए बनाया कि वो अर्थ के बारे में और मींस यूनिवर्स के बारे में वो और जानकारी हासिल कर पाए, या कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बात मींस यूनिवर्स में बातें करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए भी उसका यूज होता है. मींस बातें करने के लिए भी यूनिवर्स में उसका यूज होता है. इट इज अ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. अभी जो सैटेलाइट है इसको हम लोग ऐसे अर्थ से सीधा नहीं भेज सकते कि वो ऑर्बिट पे चली जाए, नहीं. ये जो सैटेलाइट होती है कैसे उधर ऑर्बिट पे भेजा जाता है, सैटेलाइट को पहले एक रॉकेट में रखा जाता है और रॉकेट को स्पेस में भेज दिया जाता है. अब स्पेस से वो रॉकेट, जो रॉकेट है, रॉकेट से वो सैटेलाइट को निकाल के उसको रखा जाता है उधर उधर
मूव करती रहती हैं। अभी तो बताया गया सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर इन दिस स्पेस आर इनसैट IRIS एडुसेंट एक्सेट्रा। अभी तो बताया गया कुछ कुछ इंडिया ने भी सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी, वो कौन कौन सी है, इनसैट है, INSAT IRIS है, एडुसेंट EDU SAT भी है। ये जो सैटेलाइट्स है ये सैटेलाइट्स तो भेजी ये एग्जांपल, और भी बहुत सारे इंडिया ने सैटेलाइट्स भेजी हैं। Now question is given, but do animals and plants require in order to grow and survive? अभी जब तक के जो animals हैं और जो plants हैं, उनको grow मतलब बढ़ने के लिए और उनको survive जीने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है? जो planets हैं, जो animal हैं और जो plants हैं, उनको बढ़ने के लिए water चाहिए रहता है और survive जीने के लिए उनको क्या चाहिए रहता है? Carbon dioxide. Plants हमें देते हैं oxygen और हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। Now next is asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny body which also move around the sun. अभी stars, planets और जो satellites हैं ये बहुत छोटी छोटी bodies हैं। ये जो कुछ stars, planets और satellites की तरह ही कुछ कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी बॉडीज है जो सन की चारों तरफ घूमती है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। अब जो बॉडी सन की तरफ जो बहुत छोटे है वो बॉडीज जो सन की तरफ घूमती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड्स मार्स और जो जुपिटर की जो ऑर्बिट है उन दोनों ऑर्बिट मार्स और जुपिटर इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। अब जो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स है एस्ट्रॉइड की वजह से जो अर्थ का जो प्लैनेट है उस पर एक्सप्लोड हुआ था, मीन्स बहुत बड़ा धमाका हुआ था बहुत साल पहले अर्थ पे एस्ट्रॉइड्स की वजह से। दी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, अभी मीटरॉइड्स हम पढ़ रहे हैं, दी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड दी सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। अब जो बहुत छोटे छोटे जो पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो भी उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मीटरॉइड्स कहते हैं। समटाइम दिस मीटरॉइड्स कम नियर दी अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब ये जो कुछ कुछ जो मीटरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के पास आ जाते हैं, अर्थ के पास आने की वो बहुत कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो अर्थ पे आ जाए और अर्थ पे वो गिर जाए, अर्थ से ड्रॉप हो जाए मींस गिर जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द अर्थ दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। वो इतनी कोशिश करते हैं और वो अर्थ पे चले जाते हैं, अर्थ पे वो नीचे गिरी जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो इतनी तेजी से गिरते हैं फ्रिक्शन की वजह से और हवा के जो एयर है हवा की वजह से वो इतनी तेजी से मूव होते हैं और वो इतनी तेजी से मूव होते हैं तो वो बहुत उनके वो जो है मीटराइट्स वो गर्म होने लग जाते हैं और गर्म होकर वो खुद ही बर्न हो जाते हैं। और जब वो बर्न होता है मतलब खुद से फूटते हैं गर्म हो जाते हैं और वो फूट जाते हैं तो जब वो फूटते हैं तो फिर एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है। फ्लैश ऑफ लाइट मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है जिसे हम टूटते तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार जिन्हें हम कहते हैं टूटते तारा, वो असली में शूटिंग स्टार्स नहीं होते, वो मीटराइट जो होते हैं मीटराइट अर्थ पे गिर जाते हैं और वो बर्न होकर इतनी ज़्यादा फ्लैश ऑफ लाइट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है और हम सोचते हैं कि ये जो लाइट है टूटता तारा, लेकिन ये टूटते तारा नहीं होते। Sometimes a meteorite without being completely burned falls on the earth and creates a hole. कभी कभार ये जो meteor जो होते हैं meteorite का short form है meteor। अब जो कभी कभार जो ये meteor होते हैं बिना पूरे जले ये अर्थ पे गिर जाते हैं और अर्थ पे गिरने के बाद क्या हो जाता है? अर्थ पे गिरने के बाद एक बहुत बड़ा hole हो जाता है, hole means बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? Means जब एक जब night होती है तो फिर आपको कुछ white जैसा लगता white लगा कुछ आपको ऐसा दिखता है कि एक white जैसे एक रास्ता है sky में। It is a cluster of millions of stars. आपको दिखता है तो वो जो चीज़ है वो है एक millions of stars का cluster. Cluster means उधर मतलब sky में total means uncountable stars है और ये जो millions of stars है ये कहाँ है? This band is a Milky Way galaxy. अब ये जो band है इसको क्या कहते हैं? Milky Way galaxy. ये जो Milky Way galaxy के अंदर
गैलेक्सी। अब ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में किसके अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है सोलर सिस्टम। इन एशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब जो ये व्हाइट कलर का, जो जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जो व्हाइट कलर का जा रहा है, पहले के जमाने में इंडिया में इसको क्या माना जाता था? इसको एक लाइट की रिवर माना जाता था, मतलब रोशनी की नदी माना जाता था, जो स्काई में फ्लोट हो रही, स्काई में बह रही है आसमान में। थस इट वॉज नेम आकाश गंगा। इसलिए उसका नाम हिंदी में क्या रखा गया? आकाश गंगा। इसे मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी में नाम रखा गया आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. अब जो galaxy है, galaxy के अंदर billions stars होते हैं, billions clouds होते हैं, और अब clouds कैसे होते हैं? Clouds के अंदर बहुत ज़्यादा dust, गंदगी होती है, और gases भी होते हैं galaxy में, बहुत सारे millions होते हैं। There are millions of such galaxies that make up the universe. Means एक universe को बनाने के बहुत सारे जो millions जो galaxy होते हैं, millions galaxy क्या बनाते हैं? सिर्फ एक universe बनाते हैं। यूनिवर्स को बनाने के लिए बहुत सारे मिलियन गैलेक्सी चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये बहुत मुश्किल है कि जो यूनिवर्स को पूरा देख पाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी कोशिश करते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। जो साइंटिस्ट है कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स के बारे में और जानकारी हासिल कर पाए। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to the universe. हमें ये यूनिवर्स का अभी तक साइंटिस्ट की मदद से पता ही नहीं चल पाया कि ये कितना साइज है। साइंटिस्ट ने ढूंढा भी नहीं है अब तक कि जो कितना साइज है ये यूनिवर्स का, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि ये जो यूनिवर्स है, हम लोग जो है यूनिवर्स के अंदर ही हैं। तो टिल हियर इज द चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।